2017 के शुरुआत में ही बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर होने वाली है। शाहरुख खान की रईस और ऋतिक रोशन की काबिल की टक्कर का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस वक्त शाहरुख और ऋतिक दोनों की फिल्में दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आ रही। ऐसे में ये टक्कर दोनों के करियर के लिहाज से काफी अहम है। दोनों में कोई भी अपनी फिल्म के फ्लॉप होने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ फ्लॉप होने का मतलब है करियर का फ्लॉप होना। लेकिन लगता है कि ऋतिक ये जंग जीत जाएंगे, क्योंकि ऋतिक ने ऐसी चाल चली है कि बादशाह खान चारों खाने चित्त हो जाए। जी हाँ, बादशाह को सबक सिखाने के लिए निर्माता निर्देशक राकेश रोशन मैदान में आ चुके हैं और काबिल के प्रमोशन का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। राकेश रोशन जानते हैं कि दीपावली पर सबसे ज्यादा लोग फिल्में देखते हैं और इस दीपावली पर दो बड़ी फिल्में शिवाय और ए दिल है मुश्किल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही हैं। राकेश रोशन ने सारे थिएटर्स ओनर से एक खास कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके अनुसार दीपावली पर दो हफ्ते तक शिवाय और ए दिल है मुश्किल के शो शुरू होने के पहले काबिल का ट्रेलर दिखाया जाएगा। यानी दर्शक कोई भी फिल्म देखे, काबिल का ट्रेलर उन्हें जरूर देखना होगा। शाहरुख की फिल्म रईस अब भी पाकिस्तानी कलाकारों के फेर में ही फंसी है। ऐसे में राकेश रोशन का ये दांव रईस के निर्माताओं में खलबली मचाने के लिए काफी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि काबिल की चाल से रईस बेहाल हो गया होगा।